समय की एक बड़ी खबर सामने। यहां पर आपको बता दें कि एक नायब तहसीलदार को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हैरानगी की बात है कि किस तरह से इस नायब तहसीलदार ने जो है वो एक व्यक्ति से जो है वो 10 लाख रुपए की जो है वो रिश्वत की मांग की थी, लेकिन ये कहें कि जब 50,000 रुपया देने के लिए कंप्लेटेंट जो है वो इसे देने के लिए पहुंचा तो ऐसे में एंटी करप्शन ब्यूरो ने इसे जो है वो वहां से रंगे हाथों पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो शिकायत करता है उसने जो है वो जमीन के कुछ कागजात तैयार करने के लिए जो है वो तहसीलदार उड़ी के साथ जो है वो कॉन्टेक्ट करा था और वहां पर एप्लीकेशन जो है वो दी थी। और ऐसे उसके बाद आपको बता दें कि तहसीलदार जो उड़ी हैं उन्होंने नायब तहसीलदार जो है वो कॉन्टेक्ट करने के लिए कहा और नायब तहसीलदार के पास जब ये व्यक्ति पहुंचा, हालांकि बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति ने जब एक व्यक्ति से 10 मरला जो है वो जमीन खरीदी थी और 10 मरले जमीन का एक टुकड़ा जो है वो इसने व्यक्ति से खरीदा था और उसका उस पर जो है वो उसने अपना घर भी बनाया था और 5 लाख रुपए की उसने जो है वो ये जमीन खरीदी थी, लेकिन पार्टियों के बीच जो है वो किए गए बिक्री समझौते के मुताबिक उसे जो है वो टाइम पर जो है वो उसके जो ये कहें कि डॉक्यूमेंट थे वो जो है वो नहीं दिए गए थे, जिसके चलते वो अपनी जमीन की जो म्यूटेशन है वो अपने हक में जो है वो नहीं करवा पा रहा था। इसके लिए जो है वो नायब तहसीलदार उड़ी के साथ उसने कॉन्टेक्ट किया और वहां पर बता दें कि तहसीलदार उड़ी ने जो है वो पटवारी को मौके पर जाकर मामले की रिपोर्ट पेश करने की जो है वो हिदायत दी, लेकिन ऐसे में उसके बाद जब जो शिकायत करता है उसने पटवारी प्रदीप कुमार से कॉन्टेक्ट किया तो वो जो शिकायत करता था उसको नायब तहसीलदार ने जो है वो ये कहें कि वो पटवारी ने जो है वो शिकायतकर्ता को नायब तहसीलदार उड़ी अल्ताफ हुसैन खान के पास वहां पर ले गया। यहां पर नायब तहसीलदार ने पटवारी की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से जो है वो 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी, जिस पर बाद में इलाके के सरपंच ने भी बातचीत की और लास्ट में ये तय हुआ कि शिकायतकर्ता जो करता है वो जो है वो रिपोर्ट पेश करने से पहले नायब तहसीलदार उड़ी को जो है वो 50,000 रुपए की पहली किस्त का जो है वो भुगतान करेगा, यानी कि 10 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी लेकिन पहली किस्त जो 50,000 की थी वो उसका भुगतान करेगा, इस तरह का सरपंच ने कहा था। और बता दें कि उसके बाद ये कहें कि जो शिकायत करता था वो पैसे देने के मूड में नहीं था, इसलिए उसने एंटी करप्शन ब्यूरो को एक लिखित शिकायत के साथ वहां पर कॉन्टेक्ट किया और बताया कि ऐसे से नायब तहसीलदार उड़ी अल्ताफ हुसैन खान के खिलाफ जो है वो उससे रिश्वत मांगने के लिए जो है वो कानूनी कार्रवाई की उसने मांग की, लेकिन ऐसे में आपको बताने चलें कि इस एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपना जाल बिछाकर जो है वो नायब तहसीलदार अल्ताफ हुसैन खान को और इसी के साथ साथ जो पटवारी प्रदीप कुमार है जिसने इस व्यक्ति को उकसाया और उसके दफ्तर में लेकर वहां पर गया और वहां पर जाकर जो है वो उसे मनाने की कोशिश की गई कि भाई साहब रिश्वत जो है वो देनी होगी और उसके बाद ही आपकी जो म्यूटेशन है जमीन की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो है वो तैयार किए जाएंगे, जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपना जाल बिछाकर जो है वो इन दोनों को जो है वो रंगे हाथों पकड़ लिया है और इनके खिलाफ मामला जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो ने दर्ज कर लिया है और आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मामला जो है वो अलग अलग धाराओं के तहत पुलिस स्टेशन एंटी करप्शन ब्यूरो बारामूला में जो है वो अल्ताफ हुसैन खान जो कि बारामूला के जो उड़ी के जो है वो नायब तहसीलदार हैं और इसी के साथ साथ पटवारी प्रदीप कुमार को भी इसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है और आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। बता दें कि इसमें जो नायब तहसीलदार है उसके खिलाफ पहले भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने कई सारे जो है पर्चे लगाए हैं, लेकिन बावजूद उसके ये जो है वो अपने आप को सुधारने का नाम नहीं ले रहा है। कई बार लोगों के जो है वो इस तरह के जमीनी विवाद जो है वो देखने को मिलते हैं, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें तो वो हमेशा इसमें जो है वो सुर्खियां बटोरता है, क्योंकि अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट अगर सही तरीके से काम करे तो आम जनता को शायद इस तरह की जो परेशानियां हैं वो ना देखने को मिले। और इसी के साथ साथ ये कहें कि लोगों के बीच जो विवाद आए दिन देखने को मिलते हैं ये शायद जो है वो ना हो, लेकिन ये एक जिंदा मिसाल है जिस तरह से कश्मीर के बारामूला के अंदर उड़ी के जो नायब तहसीलदार हैं जिन्होंने एक जमीन के कागजात तैयार करने के लिए जो है वो 10 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी और फिलहाल उन्हें पहली किस्त जब 50,000 ये कंप्लेटेंट जो है देने के लिए पहुंचा तो वहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों पकड़ा। तो आप जनता भी अपनी अपनी राय जरूर साझा करें, क्या कभी आपसे भी पैसे की मांग की गई है या फिर नहीं। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून, जय हिंद भारत।